कोविड महामारी के 5 साल से भी कम समय के अंदर दुनिया को एक और ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस का खतरा है। एक खतरनाक वायरस तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और इसके केसेस अब तक 116 देशों में देखे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इसे लेकर WHO ने भी अलर्ट जारी किया है कि इस खतरनाक एम्पॉक्स वायरस को अगर जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अगला बड़ा पैंडेमिक हो सकता है। इनफैक्ट अभी हाल ही में PM मोदी जी के सेक्रेटरी PK मिश्रा जी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसके तहत उन्होंने डेली जहां से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इंडिया आते हैं वहां के मेजर हॉस्पिटल्स लोगों को क्वारंटाइन करवाने के लिए तैयार रखने की चेतावनी दी है। ये एम्पॉक्स वायरस सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। दरअसल 1958 में डेनमार्क के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी पोलियो वैक्सीन टेस्ट करवाने के लिए सिंगापुर से कुछ बंदरों को इम्पोर्ट करवाया था। टेस्ट के दौरान उनमें से कुछ बंदरों में कुछ अलग सिम्टम्स पाए गए, जैसे तेज बुखार, मसल पेन और स्किन लिंजस। वैज्ञानिकों ने जब कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए तो पता चला कि वो बंदर एक नए पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड थे और ये वायरस पहली बार बंदरों में पाए जाने की वजह से इसका नाम रखा गया मंकी पॉक्स यानी यम पॉक्स। लेकिन पहली बार बंदरों में पाया जाने वाला वायरस इंसानों में कैसे आया और इसने इतना खतरनाक रूप कैसे ले लिया? तो देखो, एम्पॉक्स वायरस का फर्स्ट ह्यूमन विक्टिम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रहने वाला 9 साल का एक ट्राइबल बच्चा। उसका पूरा कबीला पॉक्स वायरस इन्फेक्टेड बंदरों के काफ़ी क्लोज था। उन ट्राइब्स के शरीर पर पहली बार ये वायरस स्प्रेड हुआ, जिसने ह्यूमन को इफेक्ट करने के हिसाब से एक नया वेरिएंट डेवलप कर लिया, जिसने उस बच्चे की जान ले ली और उसका पूरा कबीला इस नए वेरिएंट से इन्फेक्टेड हो गया। इसके बाद ये वायरस 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड हो गया, एम्पॉक्स क्लेड 1 एंड क्लेड 2। 2022 में क्लेड 2 ये वेरियंट 116 से भी अधिक देशों में फैल चुका था, जिसके 1 लाख से अधिक मामले सामने आए थे और करीब 208 मौतें दर्ज की गई थी, जिसके चलते इसे ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया गया था और इसने इंडिया में भी फैलने की कोशिश की थी। दरअसल अगस्त 2022 में यूनाइटेड अरब से एक 22 साल का केरलाइन लड़का केरला आया। तब वो टेस्ट के दौरान एम्पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया और कुछ ही दिनों के ट्रीटमेंट के बाद उसकी मौत हो गई। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब उसके कांटेक्ट में आए लोगों की जांच की तो उसमें 20 से ज़्यादा लोग एम्पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने देश भर में इसके लिए टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए थे। 2022 ग्लोबल एम्पॉक्स प्रकोप में एवरेज मृत्यु दर 0.03% था, जो हर किसी देश में कम ज़्यादा था। 2022 में फैली महामारी का मेन रीज़न एम्पॉक्स क्लेड 2 था, जो क्लेड 1 से बहुत कम डेडली है। एम्पॉक्स क्लेड 1 क्लेड 2 से बहुत ज़्यादा गंभीर और डेडली है, जो एस्टिमेट के हिसाब से कोविड से भी 7 गुना ज़्यादा डेडली है और इसका मृत्यु दर 10% तक है। यानी 100 लोग अगर इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड होते हैं तो उसमें से 10 लोगों की मौत तक हो सकती है। लेकिन अब से पहले क्लेड 2 ये वेरिएंट इसलिए भी फैला कि इससे इन्फेक्टेड होने के 1 से 2 हफ्तों तक इसके कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। वही क्लेड 1 के सिम्टम्स इसके काफ़ी जल्दी दिखाई देते हैं। क्लेड 2 इन्फेक्टेड इंसान पहले 2 हफ्तों के अंदर किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ सकता है या वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री बड़े आराम से ट्रैवल कर सकता है। ये वायरस किसी नॉन लिविंग चीज पर भी 12 से 14 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है और अगर कोई व्यक्ति उसे क्लोज कॉन्टेक्ट में आ गया तो वो बड़े आसानी से एम्पॉक्स से इन्फेक्टेड हो सकता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और ट्रेन और बसेस में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है और लोग ट्रैवलिंग करते वक्त कितनी बेपरवाही बरतते हैं। क्लेड 1 के सिम्टम्स जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए ये जल्दी नहीं फैला था और ये लंबे समय से बस सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में ही चिंता का विषय बना रहा था। लेकिन 2024 में क्लेड 1 वेरिएंट अब पड़ोसी देशों में भी बढ़ते देख इस पर ग्लोबल अटेंशन बढ़ा है। इसके केसेस अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से बढ़कर उसके पड़ोसी देश जिनमें बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा में भी क्लेड 1 वेरिएंट बढ़ने के कारण अब ये इंटरनेशनल कंसर्न का विषय बन गया है और इसी के चलते 14 अगस्त को WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। इसके बाद अब ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगा है। हाल ही में स्वीडन में भी क्लेड 1 के मामले सामने आए हैं। 14 अगस्त को एक 66 ईयर ओल्ड यूरोपियन व्यक्ति किसी अफ्रीकन कंट्री से बैंकॉक पहुंचा और अगले ही दिन उनमें एम्पॉक्स के सिम्टम्स दिखने लगे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लाया गया, तब कंफर्म हो गया कि वो विशेष रूप से एम्पॉक्स के डेडली वेरिएंट क्लेड 1 से इन्फेक्टेड है।
जिसके बाद उस व्यक्ति ने जिन लोगों के साथ ट्रैवल किया था उनकी टेस्ट की गई तो उसमें 43 लोग इन्फेक्टेड पाए गए। अब थाईलैंड डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज वो 43 इन्फेक्टेड लोग जिन जिन से क्लोज कॉन्टेक्ट में आए थे उनका भी पता लगा रहे हैं। ज़रा सोचिए, ट्रैवल करने के कुछ ही घंटों के अंदर एक इन्फेक्टेड व्यक्ति ने 43 लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया, तो ये वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये वायरस मेनली इन्फेक्टेड व्यक्ति या जानवर के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। लेट से इस वायरस ने आपको इन्फेक्टेड कर लिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा या आपको कैसे पता चल सकता है कि किसी एक पर्सन को उस वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया है या नहीं? तो देखो, एम्पॉक्स वायरस के दो स्ट्रेन हैं, क्लेड 1 एंड क्लेड 2, और इन दोनों के सिम्टम्स बिल्कुल सेम हैं। इनमें भी क्लेड 1 के सिम्टम्स ज़्यादा सीरियस एंड डेडली है और क्लेड 2 के इससे थोड़े कम। दोनों ही केसेस में वायरस से कॉन्टैक्ट में आने से लेकर आपका शरीर मेजरली 3 स्टेज से गुजरता है। फर्स्ट स्टेज इंक्यूबेशन, सेकेंड प्रोड्रोम एंड थर्ड रशिंग इंक्यूबेशन। फर्स्ट स्टेज इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है और बॉडी में अडॉप्ट होकर मल्टीप्लाई होने की कोशिश करता है। यह पीरियड जनरली 2 हफ्तों तक रहता है, लेकिन इस दौरान बॉडी में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते। लेकिन प्रोड्रोम यह सेकेंड स्टेज काफ़ी हद तक खतरनाक हो सकती है। इस स्टेज में आपको एम्पॉक्स के अर्ली सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, जैसे थकान, फीवर, वीकनेस, हेडेक, गले में सूजन और मेजरली लोअर जॉ के नीचे एक पेनफुल गार्ड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर आपको इनमें से कुछ भी सिम्टम्स और मेजरली आपके गले के पास वो पेनफुल गांठ भी फॉर्म हो चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एम्पॉक्स वायरस ने इन्फेक्टेड कर लिया है। ऐसी स्थिति में बिना देरी किए इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर सपोज आपने इसे इग्नोर किया तो आपको इसके स्टेज 3 का सामना करना पड़ेगा, जो है रशिंग इंक्यूबेशन। इस स्टेज 3 में बॉडी में मौजूद वायरस पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और ये आपके बॉडी के स्किन सेल को इन्फेक्ट करने लगता है। पहले आपके स्किन पर फ्लैट ड्राई लिंजेस बनने लगते हैं, फिर वो लिंजेस फूलने लगते हैं और उसमें फ्लूइड भरने लगता है, जिसमें आपको तेज दर्द होना शुरू होगा। ये सारी प्रोसेस सिर्फ 1 से 2 हफ्तों के बीच में हो सकती है, एंड देन आपके थ्रू किसी को भी एम्पॉक्स इन्फेक्टेड कर सकता है। सपोज अगर किसी को एम्पॉक्स वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया है तो क्या करना चाहिए? वेल, एम्पॉक्स के लिए WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी है जिसे आपको फॉलो करना होगा। आपको पर्सनली हाइजीन का ध्यान रखना होगा, बार बार छुए जाने वाली चीज़ों को हाथ लगाने से पहले उसे सैनिटाइज करना, वायरस से इन्फेक्टेड शख्स से दूरी बनाए रखना, उसने यूज़ की गई या उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आई हुई चीज़ों को हाथ ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, देन स्ट्रे एनिमल को टच ना करें या बार बार सैनिटाइज का यूज़ करें, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको एम्पॉक्स इन्फेक्टेड करता है तो खुद को इमिजिएटली आइसोलेट करें या किसी के सोशल कॉन्टैक्ट में ना आए जब तक आप पूरी तरह से रिकवर ना हो जाओ। इस महामारी से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करके इसे फैलने से रोकने में मदद करें।